हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 4 तक नहीं 3 तक कंटिन्यू किया था। ओके, आज एक्सरसाइज 5 का सम नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं। तो सम नंबर 4 हमें वाई के फॉर्म में ऐसा दिया है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट एक्स। क्या है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट एक्स। एक ही टर्म है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स डिवाइडेशन रूल्स ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ओनली चेन रूल्स फोकस करना है क्योंकि डायरेक्ट टर्म नहीं है, एक्स रूट एक्स नहीं है जिसका डायरेक्टली इक्वेशन है नहीं। 11 सम तक बात तो वही है, डीवाई बाई डी एक्स ढूंढना है। साइन इनवर्स का डेरिवेशन ऐसा है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में आपके रेफरेंस के लिए, कि अगर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अभी तो मतलब कि उसको हम चेंज ही कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन होता है, अप्लाई करो, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स कौन है, तो एक्स रूट एक्स पूरा उसका होल स्क्वायर। ओके, और साथ ही साथ मतलब कि अकॉर्डिंग टू द चेन रूल्स कि d by dx किसको मिलेगा, तो dy dx x root x को मिलेगा। अगेन ये x है तो उसका होल स्क्वायर, ये d by dx मिला, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस उसका होल स्क्वायर करोगे तो x का x स्क्वायर रूट x का x। इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगेगा, x पड़ा रहेगा, रूट x का 1/2 रूट x क्योंकि डायरेक्टली इक्वेशन है, रूट एक्स पड़ा रहेगा तब एक्स का क्या हो जाएगा, 1। चलो अगेन, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, चलो अगेन, ये रूट एक्स से कैंसिल होगा तो ऊपर रूट एक्स बचेगा और नीचे 2 बचेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, रूट एक्स एक्स के साथ कैंसिल होगा तो रूट एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स बचेगा। आगे थोड़ा सोचते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके बाहर लेके आते हैं, तो 2 यहाँ पे आ गया, 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया। चलो 2 एलसीएम ले लिया तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स तो क्या हो जाएगा, 3 रूट एक्स, और डिवाइडेशन में तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब है ही। जहां तक मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन होता था हमने कर दिया और अच्छे से सम सॉल्व भी हो गया। तो ओनली चेन रूल्स अप्लाई करना था, नया हमारे लिए और कुछ है नहीं। बोलो अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल इजी और क्लियर सम। नंबर 6 थोड़ा ज्यादा लेंदी है, पहले नंबर 7 कर देते हैं, 6 नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड में भरते हैं। तो पहले नंबर 6 में y इज इक्वल टू, सॉरी 5 करना बाकी है, 5 ही ले लेते हैं, 5 में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेंदी है पर हो जाएगा। 5 y is equal to दिया हुआ है, cos इनवर्स x by 2 डिवाइड बाय अंडर रूट में 2x plus 7। ओके, चलो ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, डिवाइडेशन रूल्स दिख रहा है आपको कि 2 टर्म्स है, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें डिवाइडेशन रूल्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डिवाइडेशन रूल्स। चलो डिवाइडेशन रूल्स अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं, डिवाइड बाय डीएक्स डिनोमिनेटर पड़ा रहेगा, 2x plus 7 पर इसका डेरिवेशन, तो cos इनवर्स x by 2 तो इसका ऐसा है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे साइन का किया था वैसे ही कॉस का है, पर कॉस में आगे माइनस आएगा, तो एक्स बाय 2 का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर करना है, और साथ ही साथ एक्स बाय 2 का अगेन डेरिवेशन। ओके, तो एक्स बाय 2 का क्या होता है, 1/2। बैठा दिमाग में, अगेन cos इनवर्स x का डेरिवेशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय 4, और x बाय 2 का अगेन किया तो 1/2, बीच में माइनस, अभी cos इनवर्स x बाय 2 पड़ा रहेगा, इसका करो तो रूट x का क्या होता है, 1 बाय
2 root x, तो 2x plus 7, 2x plus 7 से फिर से करोगे तो 2 आ जाएगा, 2x का 2 और 7 तो कांस्टेंट है 0, डिवाइडेशन में उसका होल स्क्वायर, 2x plus 7 का अंडर रूट में होल स्क्वायर करो तो 2x plus 7 खुद आ जाता है। चलो आगे की बात, 2 कैंसिल, ओके अच्छा जितना एक्सप्लेनेशन होता है उतना करते जाओ। चलो अभी क्या बचा है कि अभी 2x plus 7 तो है, चलो ब्रैकेट की बात करो तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ऊपर माइनस 1 है, यहां पे एक काम करो 4 को एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके अंडर रूट से बाहर लाओगे तो ऊपर क्या आएगा 2 आएगा। चलो और 4 एलसीएम लो तो अंडर रूट में 4 माइनस x स्क्वायर, दिमाग में बैठ रहा है ना, ये 4 क्या है एलसीएम ले रहे हो तो 4 माइनस x स्क्वायर, तो एलसीएम डिवाइडेशन का डिवाइडेशन कहां जाता है न्यूमेरेटर में, ओके और बाजू में 1/2 तो पड़ा ही है, ओके चलो अगेन ये वाला स्टेप कंटिन्यू, तो माइनस है cos इनवर्स x by 2 है, ओके और साथ ही साथ 1 upon 2x plus 7 भी है, 2 तो कैंसिल हो गया और नीचे दिया हुआ है बेटा 2x plus 7। चलो अभी तुम्हारा ये 2 वाला प्रॉब्लम सॉल्व, ओके चलो अब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में अच्छे से जितना बचा है उतना लिख दो, इसमें न्यूमेरेटर में ये है डिनोमिनेटर में ये है और आगे माइनस है तो माइनस, न्यूमेरेटर में बचा है 2x plus 7 और डिनोमिनेटर में बचा है अंडर रूट में 4 माइनस x स्क्वायर, 4 माइनस x स्क्वायर। चलो इधर की बात, तो माइनस बीच में ऊपर बचा है cos इनवर्स x by 2 और नीचे बचा है अंडर रूट में 2x plus 7, क्या बचा है 2x plus 7 और नीचे और डिनोमिनेटर में है 2x plus 7, बोलो कंप्लीट। अभी एक चीज बची, एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गया, शायद एलसीएम ले लो तो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, तो एलसीएम में ये ब्रैकेट भी एलसीएम में आएगा, ये ब्रैकेट भी एलसीएम में आएगा, दोनों ब्रैकेट नीचे लेकेगा तो एलसीएम में 3 ब्रैकेट, एक तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो जैसा था वैसे के वैसे, इसकी 1/2 पावर है, इसकी 1 है, दोनों ब्रैकेट नीचे मर्ज हो गए, नहीं तो 1 plus 1/2 3/2 हो जाएगी, 2x plus 7 की 3/2 बैठा दिमाग में, ये पूरा 1/2 और 1 नीचे आया तो सम कर दिया। चलो अभी LCM का तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो माइनस अंडर रूट कैंसिल 2x plus 7, इसका इसके साथ तो माइनस cos inverse x by 2 इनटू अंडर रूट में 4 माइनस x स्क्वायर, जितना होता था सब कुछ कर दिया, अभी क्लियरली एकदम सम हो गया, शायद कुछ भी बाकी है नहीं, ज्यादा से ज्यादा दोनों में से माइनस कॉमन लेना है तो ले सकते हो, चलो माइनस ले लिया तो cos इनवर्स x by 2 इनटू 4 माइनस x स्क्वायर, ये भी प्लस हो गया 2x plus 7 और नीचे अंडर रूट में 4 माइनस x स्क्वायर एंड 2x plus 7 के पावर में 3/2, सब कुछ एक्सप्लेनेशन सही से, डिवाइडेशन रूल्स था, एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना है, जितना अच्छे से करोगे और जितना क्लियर करोगे उतने मार्क्स आपके कंफर्म होते जाएंगे, अंडरस्टैंड, शायद अभी बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, दोनों सम सही तरीके से हमने सॉल्व कर दिए हैं, बहुत इजी है। 2 सेकंड बेटा होल्ड ऑन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको लिखने में थोड़ा इजी रहे, फिर सम नंबर 6 करते हैं, क्लियर। चलो रफ कर रहा सम नंबर 6 थोड़ा लेंदी है पर खत्म कर देते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसा है, y लेंदी है पर आप जानते हो इस तरह का सम है, y is equal to दिया हुआ है cot inverse, ब्रैकेट में ऐसा है अंडर रूट में 1 plus sin x plus अंडर रूट में 1 minus sin x, सेम वे पूरा ब्रैकेट है अंडर रूट में 1 plus sin x, बीच में माइनस है और 1 minus sin x,
ओके चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में आ गया समय इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अभी इसका सीधा डेरिवेशन करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। cot इनवर्स x का इक्वेशन क्या है, तो -1/(1+x)2, तो तुम्हारा इतना बड़ा x पूरा ब्रैकेट, इसको फिर डेरिवेशन करो तो डिवाइडेशन रूल्स लगाना पड़े और उसमें भी फोर टर्म्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले cot इनवर्स है तो अंदर cot लाने की कोशिश करते, तो cot और cot इनवर्स कैंसिल, फिर जो बचेगा उसका डेरिवेशन कर देंगे। तो पहले ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं फिर डेरिवेशन पे, ठीक है। चलो तो cot इनवर्स अभी देखो, जहां 1 है ना तो 1 की जगह पे मैं ऐसा लिखूं sin स्क्वायर x/2 + cos² x/2, ओके वही होता है ना। और sin x की जगह पे एंगल आधा करने का इक्वेशन 2 sin x/2 × cos x/2, ओके उसको दोनों को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। 1 की जगह पे sin² x/2 + cos² x/2 और sin x की जगह पे 2 sin x/2 × cos x/2, सेम वे प्लस अगेन 1 की जगह पे sin² x/2 + cos² x/2 और sin x की जगह पे -2 sin x/2 × cos x/2, क्लियर। सब कुछ वही, चारों के चारों स्टेप में वही करना है, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस लिखना है, माइनस है वहां पे माइनस लिखना है। चलो सेम वे डिनोमिनेटर में भी सेम आएगा, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। sin² x/2 + cos² x/2 इसकी जगह पे 2 sin x/2 × cos x/2, जस्ट ओनली फर्क है ऊपर जैसा ही कॉपी पेस्ट, बीच में माइनस है तो माइनस कर दिया। sin² x/2 + cos² x/2 और इधर है -2 sin x/2 × cos x/2, चलो ओके पूरा ब्रैकेट क्लोज, चारों के चारों जगह सेम इक्वेशन लगा दिया और सेम बात लिख दी। अभी cot इनवर्स देखो सभी में, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म लास्ट टर्म, तो क्या होगा इस तरह का बनेगा sin x/2 + cos x/2 उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस, इसमें माइनस है तो sin x/2 − cos x/2 उसका होल स्क्वायर। सेम भी नीचे अगेन कॉपी पेस्ट अंडर रूट में sin x/2 + cos x/2 उसका होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और sin x/2 − cos x/2 उसका होल स्क्वायर। चलो एक स्टेप और कर दिया, अब अंडर रूट और होल स्क्वायर तो कैंसिल होने वाला ही है, तो cot इनवर्स चलो कैंसिल कर दो, तो ओरिजिनल ही बचेगा sin x/2 + cos x/2 + इधर भी ब्रैकेट ओपन sin x/2 − cos x/2, सेम वे नीचे पहले sin x/2 + cos x/2, माइनस है साइन चेंज होगी तो −sin x/2 − cos x/2, cos x/2 कैंसिल, नीचे sin x/2 कैंसिल, ओके तो बचा क्या cot इनवर्स, ऊपर साइन प्लस साइन 2 sin x/2, नीचे क्रॉस प्लस cos तो 2 cos x/2, चलो 2 कैंसिल, sin/cos क्या होता है 10। इधर करता हूं, अभी सभी बातें y के फॉर्म में ही हो रही है, तो cot इनवर्स sin/cos क्या हो जाएगा 10x/2, पर मैंने तो क्या बोला था अभी आपको कि भाई बाहर cot है तो अंदर भी क्या आना चाहिए cot, और आया क्या 10, तो 10 को cot में कन्वर्ट करना है तो सीधी बात है पाई बाय 2 का रेफरेंस ले लो, नहीं पाई बाय 2 माइनस लिखना पड़ेगा तो ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और वाला पॉजिटिव, अगर पाई बाय 2 प्लस लोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे और वहां पे सब पॉजिटिव है नहीं, ओनली साइन एंड cos ही पॉजिटिव है, तो y बाहर cot इनवर्स है अंदर cot लिखना है
तो आपको लिखना पड़ेगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इलेवन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिट सर्कल। चैप्टर नंबर टू में भी बहुत बार समझाया था। अभी कॉट इनवर्स और कॉट कैंसल, y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अभी डेरिवेशन स्टार्ट करो, dy बाई dx, पाई बाई टू इज अ टोटली कॉन्स्टेंट दैट मीन्स जीरो, माइनस पड़ा रहेगा, चलो डिवाइड बाई टू तो बाई डिफॉल्ट पड़ा ही रहेगा कॉन्स्टेंट, और x का क्या हो जाएगा वन, तो आंसर आया माइनस वन बाई टू, एक्स बाई टू का तो वन बाई टू ही होता है और माइनस आगे पड़ा था। बिल्कुल इजी और क्लियर सम, जस्ट ओनली एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग से है पर वो आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर टू में अच्छे से सीखा है। अंडरस्टैंड, बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। अगेन टू सेकंड होल्ड ऑन करता हूं बेटा, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको लिखने में थोड़ा इजी और सिंपल रहे। क्लियर? ओके, आज के दिन के लिए इतना ही करना है क्योंकि लेंथी सम थे, पर इतना खत्म हो जाने के बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।